सजेशंस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। देखो, वैसे ये इंटरचेंजेबली दोनों टर्म्स यूज की जाती है एक दूसरे के स्थान पर। हम कह सकते हैं कि हमारा देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है और हमारा देश इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। बट फिर भी कई बार कई इकोनॉमिस्ट ने क्या कोशिश की, इनमें डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की। कुछ ने तो कहा है कि दोनों इंटरचेंजेबली यूज की जाती हैं, एक दूसरे के स्थान पर यूज की जा सकती हैं। बट कई इकोनॉमिस्ट ने इसके बारे में कहा नहीं, इनका मीनिंग है, जो बेसिक मीनिंग है उनका, ये अलग अलग है। ठीक है, हम इसमें इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू द ओपिनियंस ऑफ वेरियस इकोनॉमिस्ट। हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर जनरल टर्म्स में बात करें हम, तो इसमें क्या होता है कि इनका मीनिंग सेम निकलता है, इनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के स्थान पर हम और भी कई वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात करने, इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करने, या कुछ सेकुलर चेंज, ये हम इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के स्थान पर इन वर्ड्स को भी यूज़ करते हैं। आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक सेकुलर चेंज के बारे में वेरियस इकोनॉमिस्ट ने क्या, उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि जनरली इनको डिफ्रेंशिएट करना टफ हो जाता है। ठीक है, बट फिर भी कई इकोनॉमिस्ट ने इनके बारे में, जैसे मिसेज यू हिक्स है और भी कई इकोनॉमी मेडिसिन वगैरह, इन्होंने इसको डिफ्रेंशिएट करने की दोनों टर्म्स को कोशिश की है, वो हम आगे बात करेंगे। जैसे हम मिसेज यू हिक्स की बात करें, उन्होंने कहा है कि जो डेवलपमेंट प्रॉब्लम होती है, ये किन की प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है, इट इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, क्योंकि उनके जो रिसोर्सेज होते हैं वो अनयूज होते हैं, और इन अनयूज रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, किस तरह यूज़ करना है, अब उनको पता होता है कि इनके रिसोर्सेज यूज़ किए जा सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको कैसे यूज़ करना है, ठीक है, और किस एफिशिएंसी से यूज़ करना, ये प्रॉब्लम है। तो जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की प्रॉब्लम से रिलेटेड है। ठीक है, और अगर हम बात करें ग्रोथ का कंसेप्ट है, वो एडवांस्ड कंट्रीज़ की प्रॉब्लम से रिलेटेड है। अब एडवांस्ड कंट्रीज़ में रिसोर्सेज होते हैं और ऑलरेडी बहुत एक्सटेंट तक उनके रिसोर्सेज होते हैं, वो डेवलप्ड होते हैं, बट उनका अगर वो अपने रिसोर्सेज को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो वो उनका जो कंसेप्ट होता है वो ग्रोथ से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जो अभी तक विकसित नहीं हुई हैं उन कंट्रीज़ की प्रॉब्लम से रिलेटेड है, और जो ग्रोथ का कंसेप्ट है वो विकसित कंट्रियों की प्रॉब्लम से रिलेटेड है। और उन्होंने आगे क्या कहा है कि हाँ, कि उनके उनकी प्रॉब्लम के जो जो ग्रो जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ की प्रॉब्लम से रिलेटेड है, और जो जो ग्रोथ का कंसेप्ट है, वो एडवांस्ड कंट्रीज़ की प्रॉब्लम से रिलेटेड है। अब देखें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अगर हम कंक्लूजन में लिख रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा, अगर कोई कंट्री, पुअर कंट्री खास करके, अगर कोई कंट्री वो डेलिब्रेटली जानबूझकर और कोशिश करके, अच्छे एफर्ट लगा के अगर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती है, तो इसका मतलब वो अंडर डेवलपमेंट से बाहर आकर डेवलप होने की कोशिश कर रही है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें कि कोई कंट्री अगर ऑटोमेटिक प्रोसेस से जिसको जिसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट रिक्वायर नहीं है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ करती है, और ये खास करके एडवांस्ड कंट्रीज में होता है। ए मेडिसन ने भी इसमें एक्सप्लेन किया, ए मेडिसन ने कैसे कहा है इसको, उसने कहा है कि हम जो ये जो प्रॉब्लम होती है इनकी कंट्रीज़ की, जो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक ग्रोथ को, इसको इनकम लेवल पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि जो राइजिंग इनकम हो के लेवल होता है, जो रिच कंट्री अगर अपनी इनकम को राइज करने की कोशिश करती है, अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है। ऑन द अदर हैंड, अगर पुअर कंट्रीज अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही है। तो हम देख सकते हैं कि ये लगभग जैसा कि यू हिक्स ने कहा था, उससे मेल खाती हुई एक्सप्लेनेशन है, उससे ही वैसे ही सेम एक्सप्लेनेशन है जैसे कि इन्होंने ए मेडिसन ने दी है। फिर इससे क्या होता है कि जो जो प्रॉब्लम है, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट टर्म रिलेटेड है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो ये टर्म है, ये एडवांस्ड कंट्रीज से रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ पे नो डाउट, वहाँ पे रिसोर्सेज की बात हुई है, पुअर रिसोर्सेज को कैसे डेवलप करना है, या रिच रिसोर्सेज को और आगे कैसे डेवलप करना है, वहाँ पे बात। पर यहाँ पे ए मेडिसन ने इनकम लेवल पे डिफाइन किया है दोनों टर्म्स को, ठीक है। और जो ये जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है, ये हम मान सकते हैं यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो अंडर डेवलप कंट्रीज पे एप्लीकेबल होता है, और जो ग्रोथ है वो डेवलप कंट्रीज पे एप्लीकेबल होता है। फिर उसके बाद जे एस विंटर ने क्या कहा है,
कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में डिस्टिंक्शन की जा सकती है. उन्होंने कैसे डिस्टिंक्शन किया, उन्होंने कैसे डिफरेंशिएट किया, उन्होंने टेक्निकल टर्म्स पे किया है. ठीक है, देखो बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म पे नहीं किया, बट उनका कहने का मतलब यही था कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को टेक्निकल टर्म्स पे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. उन्होंने क्या कहा कि जो डेवलपमेंट होती है वो डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है. डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस जैसे टूटने वाली, टूट टूट के रुक रुक के होने वाली, ठीक है, और स्पोटेनस चेंज होता है, अचानक होने वाला चेंज होता है स्टेशनरी स्टेट में. स्टेशनरी स्टेट का मतलब आपको यहाँ पे ना तो कोई जैसे यहाँ पे डिमांड और सप्लाई भी बराबर है, जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर है, यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर भी बराबर हो, तो उसको हम स्टेशनरी स्टेट कह देते हैं. ठीक है ना, तो डेवलपमेंट क्या होती है कि डिसकंटिन्यूस प्रोसेस होती है, जो पहले वाली स्टेशनरी स्टेट को बदल के दूसरे वाले स्टेशनरी स्टेट पे जाती है. ठीक है, मतलब एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर जाना डेवलपमेंट का, हाँ वो रुक रुक के जाना, वो डेवलपमेंट प्रोसेस कहलाती है. ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो हाँ, और ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ एक लगातार होने वाला एक स्टेडी चेंज होता है लॉन्ग रन में. इसमें क्या होता है कि ये क्यों होता है, ग्रेजुअल और स्टडी चेंज क्यों होता है ग्रोथ का, क्योंकि इसमें सेविंग की रेट में चेंज आ गया और पॉपुलेशन की इंक्रीजिंग रेट में चेंज आ जाता है, तो ये ग्रेजुअल स्टडी चेंज होता है. हम कह सकते हैं जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है वो तो डिसकॉन्टिन्यूस होती है या रुक रुक के होने वाली होती है, जो स्पोटेनस होती है. ऑन द अदर हैंड जो ग्रोथ प्रोसेस होती है वो ग्रेजुअल और स्टडी होती है, लगातार होने वाली होती है, ये लॉन्ग रन में भी हो रही होती है. ठीक है, तो इस एक्सप्लेनेशन से क्या पता लगता है कि जो इकोनॉमी होती है वो जब तक डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती है तब तक स्टेशनरी होती है. और स्टेशनरी स्टेट में हमने जैसे आपको पहले भी स्टेशनरी स्टेट में क्या होता है कि जो इक्विलिब्रियम होता है, जो डेवलपमेंट के डिफरेंट वेरिएबल होते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर होते हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उतनी सेविंग हो रही है, इनकम और एक्सपेंडिचर जितनी इनकम हो रही है उतनी एक्सपेंडिचर होता है, डिमांड और सप्लाई में भी संतुलन होता है, जितनी डिमांड हो रही है उतनी सप्लाई हो रही होती है. इसका मतलब जब डेवलपमेंट प्रोसेस इनिशिएट हो जाती है, जब शुरू हो जाती है, तो नया संतुलन अपीयर होता है आने वाले टाइम में, और वो पुराने वाले संतुलन को डिसअपीयर कर देता है, पुराने वाले संतुलन को रिप्लेस कर देता है. ठीक है, तो और डेवलप आप देखिए जो नया संतुलन बना है वही डेवलपमेंट है, और उसने पुराने वाले संतुलन को रिप्लेस कर दिया. और अब अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ है वो ग्रेजुअल स्टेडी प्रोसेस है, वो तो लॉन्ग टर्म में भी चलेगा, वो उसको कोई नहीं रोक सकता है, ये कहा था ए मेडिसन ने. ठीक है, और जो ये ग्रेजुअल स्टेडी प्रोसेस होती है, लगातार होने वाली प्रोसेस है, यही हमारे इनकम को, आउटपुट को और रोजगार के लेवल को बढ़ाती है. ठीक, तो मेन डिफरेंस इसमें क्या होता है डेवलपमेंट और ग्रोथ में, मेन डिफरेंस क्या हो कह सकते हैं ए मेडिसन के द्वारा, कि जो डेवलपमेंट है वो एक एडहॉक और डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. डेवलपमेंट एक मतलब इम्परमानेंट कह सकते हैं हम, बेस जो परमानेंट ना हो वो प्रोसेस हो, और डिसकॉन्टिन्यूस जो रुक रुक के होने वाली प्रोसेस है, और ग्रोथ है वो कॉन्टिन्यूस और ग्रेजुअल स्टेडी प्रोसेस है, वो लॉन्ग टर्म में भी चलती रहती है. अगर फिर हम सीपी किंडलबर्ग की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है मोर आउटपुट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब अलग होता है. देखो ये इनके अपने विचार इनके कॉन्ट्राडिक्टरी एक दूसरे से हो सकते हैं, ये आपने भी देखना, हम जब कंक्लूड करेंगे तो वहाँ से आप एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या कहता है, मोर आउटपुट, भी जितना ज़्यादा आउटपुट हो, अगर आउटपुट ज़्यादा हो रहा है तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में किंडलबर्ग ने कहा है कि इसका मतलब ये था, मोर आउटपुट तो होगा ही होगा, साथ में जो टेक्नोलॉजी में चेंज आते हैं और जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स में चेंज आते हैं वो ग्रोथ में आ जाएगा. हम यहाँ से कह सकते हैं अगर देखो किसी चीज़ की का आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है, किसी भी गुड्स और सर्विसेज का आउटपुट अगर हमारे देश में बढ़ रहा है तो वो नो डाउट वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी कि हमारे जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स में चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में जो सारे चेंजेस आ रहे हैं, तभी हम कह रहे हैं हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, ये सीपी किंडलबर्गर का कहना है. तो इससे क्या होता है कि ये एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि जितना ज़्यादा आउटपुट होगा, जितनी ज़्यादा इनकम होगी, जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, तो वो डेवलपमेंट होगी. ऑन द अदर हैंड कहने का मतलब ये हो गया, अगर क्वांटिटी में, इकोनॉमिक वेरिएबल की क्वांटिटी में जितना चेंज होता है उसको हम ग्रोथ कहेंगे. बट अगर डेवलपमेंट की बात करें तो अगर इसका इकोनॉमिक ग्रोथ का उसके कोई रिलेटेड नहीं होता है, जैसे कोई चीज़ प्रोड्यूस की गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस की गई है, उससे इनकम बढ़ी है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है,
तो उससे इसका मेथड ऑफ प्रोडक्शन का कोई लेना है। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हमने बात करी है तो हमें देखना पड़ेगा अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस की गई है उसका मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या था, तो ये डेवलपमेंट में काउंट होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, डेवलपमेंट का क्या मतलब, मोर आउटपुट तो होगा ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट तो होगा ही होगा, बट उन चेंजेस की बात भी कही की जाएगी जिन्होंने लेवल ऑफ आउटपुट को रेज करने की कोशिश की, उसमें टेक्नोलॉजिकल हो चाहे मेंटल चेंजेस हो, किसी तरह के भी चेंजेस हो, उनकी बात भी डेवलपमेंट में की जाएगी। हाँ, यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्वांटिटी की बात करता है, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्वांटिटी के साथ साथ वो क्वालिटी की भी बात करता है, ठीक है। फिर किंडल बर्गर ने फिर फर्दर एक्सप्लेन किया है कि हम इसको जो कंपैरिजन कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी से कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ किस पे फोकस करती है, वो एक ह्यूमन बॉडी की हाइट और वेट पे वो करती है, हाइट और वेट की बात करती है कि किसी पर्सन की बॉडी की हाइट कितनी बढ़ रही है, उसका वेट कितना बढ़ रहा है। बट अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट हमारी अटेंशन लेके जाती है कि बंदे की फंक्शनल कैपेसिटी में क्या फ़र्क पड़ा है। देखो, बंदे की हाइट बढ़ गई और वेट बढ़ गया, बट उसके काम करने के तरीके में, उसके स्किल्स में, उसकी मेंटल एबिलिटी में जो फ़र्क आया है उसको हम डेवलपमेंट में मान के चलेंगे। हाँ, यहीं पे हम इस एनालॉजी से हम ये भी पता लगा दें कि ग्रोथ डेवलपमेंट में के बिना हो सकती है, बट डेवलपमेंट ग्रोथ के बिना नहीं हो सकती है, इस एनालॉजी से हम पता लगा सकते हैं। फिर आगे जेके मेहता ने कहा है कि जो वर्ड ग्रोथ है उसका क्वांटिटेटिव सिग्निफिकेंस है, वो क्वांटिटी से रिलेटेड है, मात्रा से रिलेटेड है, और वर्ड जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंस है, उसका मतलब क्वालिटी से है, ठीक है ना। अब देखो, चाहे कई इकोनॉमिस्ट ने इसके बारे में इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कई डिफरेंसेस निकाले हैं, बट कई इकोनॉमिस्ट ने यह भी कहा है कि इनके जो डिफरेंसेस है इकोनॉमिक ग्रोथ के या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, वो इमेजिनरी हैं, वो काल्पनिक हैं और वो रियल भी नहीं है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं आगे आने वाली, जैसे डब्ल्यू लुइस ने कहा है कि हम ग्रोथ का ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम टर्म ग्रोथ को यूज़ करते हैं, बट कभी कभी हम क्या करते हैं, ग्रोथ की जगह हम प्रोग्रेस या डेवलपमेंट टर्म का यूज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद जैसे पॉल ए बारन ने कहा है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ का मतलब क्या है, डेवलपमेंट और ग्रोथ का यही मतलब है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ तक जाना, मतलब इसका मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब किसी ट्रांजिशन से, किसी पुरानी चीज़ से अगर हम दूसरी नई चीज़ पर चले जाते हैं तो हम इसका मतलब डेवलपमेंट कर रहे हैं या हम ग्रोथ कर रहे हैं, और पुरानी चीज़ की अब यूटिलिटी अब खत्म हो गई है, उसकी इतनी यूटिलिटी नहीं, अब हमारे पास नई चीज़ आ रही है। तो इन्होंने डेवलपमेंट और ग्रोथ को इस प्रकार डिफ्रेंशिएट किया है जे पॉल ए बैरन ने। अगर हम कंक्लूजन में देखें तो बात, तो ए पी थर्लवाल ने इस सारे कंसेप्ट को कंक्लूड किया है, और उन्होंने क्या कहा है कि डेवलपमेंट है जो बिना जो ग्रोथ है जो ग्रोथ है वो बिना डेवलपमेंट के पॉसिबल है, बट जो डेवलपमेंट है वो बिना ग्रोथ के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो एक बड़ा कंसेप्ट है, और जो ग्रोथ है वो एक छोटा कंसेप्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स फॉर वाचिंग। आगे भी हम सोशल प्रोग्रेस से रिलेटेड या सोशल वेलफेयर से रिलेटेड या प्रोग्रेस से, ये जितनी भी टर्म्स होती हैं ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।